दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की। टेक्नो ने इंडिया में थोड़े टाइम पहले टेक्नो स्पार्क 5 लॉन्च किया था, जो कि ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ भाई, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होती थी, तो उस फोन की तरफ ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब टेक्नो ने एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, टेक्नो स्पार्क पावर 2। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, कैसा है ये फोन। भाई नाम से तो आप समझ गए होंगे स्पार्क पावर 2, मतलब पावर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया होगा, बैटरी थोड़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो भाई इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं अपन। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं, भाई जो टेक्नो कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो हांगकांग में है, वो चाइना में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। लेकिन भाई इसकी जो पैरेंट कंपनी है वो है ट्रांजन होल्डिंग्स, जो कि चाइना की कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और भाई ये सारी कंपनियां टेक्नो हो गई, इन्फिनिक्स हो गई, ये सारी कंपनी उसी के अंडर में आती है। तो भाई इसको अल्टीमेटली आप चाइनीज कंपनी बोल सकते हो। तो भाई ये चीज मैं आपको पहले से बता देता हूं कि टेक्नो एक चाइनीज ब्रांड, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो चाइना को जाता होगा। आई डोंट नो कि भाई कितने परसेंट शेयर जाता होगा, कितनी चीजें चाइना से यूज करी गई है, लेकिन भाई मोस्टली मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि अधिकतर चीजें चाइना वाली ही यूज करी गई होगी। लेकिन अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करें बिल्ड एंड डिजाइन से, तो भाई बिल्ड एंड डिजाइन से आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले मैं बता देता हूं आपको प्राइस पॉइंट, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आता रहेगा भाई के स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है 9,999 रुपए में। 10,000 के अंदर 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है, बहुत कम फोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो भाई प्राइस पॉइंट जो रखा गया है, अच्छे प्राइस पर फोन को लॉन्च किया गया है। अब क्या इसके स्पेसिफिकेशन प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं? सबसे पहले बात करें बिल्ड एंड डिजाइन से, तो 10,000 की प्राइस पॉइंट पर बिल्ड एंड डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो भाई प्लास्टिक बिल्ड ही आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर फोन है जो देते होंगे ग्लास बिल्ड। तो यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का प्रोटेक्शन मिलता है, फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, तो ठीक ठाक से यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो काफी अच्छा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, 7 inches का डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, तो काफी बड़ा डिस्प्ले है। 20.5:9 का यहां पर आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, तो टॉल फोन आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ में बात करें तो 480 nits की ब्राइटनेस मिलती है HD प्लस पैनल के साथ में। तो भाई डिस्प्ले में अच्छा काम किया गया है, डिसेंट काम किया गया है, बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है। हालांकि ऊपर की तरफ आपको एक नॉच जरूर से देखने को मिलती है, लेकिन इतना बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलता है तो आपका एक्सपीरियंस इससे अच्छा होने वाला है। HD प्लस का यहां पर आपको रिजोल्यूशन दिया गया है, जो कि भाई थोड़ा सा ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन 10,000 के आसपास के फोन में भाई HD प्लस का रिजोल्यूशन ही मिलता है। कुछ ही फोन है जो आपको फुल HD प्लस का देते हैं, लेकिन वो भी थोड़े पुराने हो गए हैं, उनका प्राइस ड्रॉप हो गया है, इसलिए वहां पर आपको फुल HD प्लस मिल जाता है। लेकिन यहां पर HD प्लस विद IPS LCD पैनल में बोलूंगा एक डिसेंट यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करेंगे कैमरास की, तो यहां पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा पीछे की तरफ, साथ ही में 5 मेगापिक्सल का दिया गया है एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, उसी के साथ में मिलता है एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और वहां पर मिलता है VGA कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो भाई जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बोला है कि 2-2 मेगापिक्सल के कैमरास मत दिया करो, कुछ काम के नहीं होते, तो भाई यहां पर टेक्नो ने उस बात को सुन लिया है, उसने 2 मेगापिक्सल का हटा के VGA कैमरा दे दिया वहां पे। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि इतना काम आने वाला है, वो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मान के चलो और थोड़े बहुत वाइड एंगल खींचना हो तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको डिटेल्स दे देगा। ओवरऑल डिसेंट कैमरा यहां पर दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और दोनों कैमरा से आप 30fps पर 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है भाई, टेक्नो स्पार्क पावर 2, मतलब यहां पर बैटरी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, पावरफुल बैटरी मिलेगी। तो यहां पर आपको दी गई है 6000mAh की बैटरी, यानी कि 10,000 से नीचे आने वाले फोन में भाई एक बैटरी आपको इतनी बड़ी देखने को मिल रही है कि अगर आप उसको एक बार फुल चार्ज कर लेते हो और नॉर्मल यूसेज के लिए यूज करोगे ना, तो लगभग 2-2.5 दिन आपका निकाल देगी भाई, और हल्की फुल्की गेमिंग के साथ में भी 1-1.5 दिन तो ईजिली चल जाएगी। बैटरी काफी ज्यादा बड़ी दी गई है, हालांकि यहां पर आपको टाइप
टाइप-सी का सपोर्ट नहीं मिलता है, माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट आपको यहां पर मिलता है, लेकिन यहां पर टेक्नो की तरफ से अच्छा काम यह किया गया है भाई, 18 वॉट की आपको यहां पर फास्ट चार्जिंग मिलती है। यहां पर 10 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर नहीं दिया गया है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है, तो यह काफी अच्छी बात है। बड़ी बैटरी के साथ में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, तो भाई नेम को जस्टिफाई करता है फोन, पावर 2 जो नाम रखा गया, तो भाई लिटरली यहां पर आपको पावरफुल बैटरी मिलती है, साथ ही साथ चार्जिंग टेक्निक भी आपको यहां पर अच्छी दी गई है। उसी के साथ में बात कर लें दूसरी चीजों की, तो यहां पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, और वो जो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है भाई, उसको आप भाई अनलॉक करने के लिए तो यूज करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में उसको एज अ फोटोग्राफी शटर भी आप यूज कर सकते हो, साथ ही साथ कॉल पिकअप करने के लिए, कॉल रिकॉर्ड करने के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये चीज काफी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इस फोन के अंदर। उसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मेरे को इसके अंदर ये लगी, जो यहां पर वॉल्यूम कीज दी गई है, उन वॉल्यूम कीज को आप शूट करने के लिए यूज कर सकते हो, यानी जब आप कोई गेम वेम खेल रहे हो, एम करके अगर आप टैप करते हो, ऊपर से प्रेस करते हो वॉल्यूम की को, तो आप शूट करने के लिए उनको यूज कर सकते हो। तो ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। अब भाई प्रैक्टिकली तो शायद ही मैं इस चीज को देख पाऊं, क्योंकि मैं तो इस फोन को नहीं मंगाने वाला हूं, लेकिन भाई कहीं रिव्यू वीव्यू में मेरे को पता पड़ेगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा ये फीचर कैसा काम करता है। तो भाई सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई जैसे ही आप गेमिंग वगैरह के लिए अगर फोन को यूज करते हो और वॉल्यूम की को प्रेस करते हो तो भट्ट से गोलियां पड़ती है, तो काफी अच्छा फीचर लग रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है आपको, यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज जो मिलती है LPDDR4X वाली रैम मिलेगी, और eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको मिलेगी, क्योंकि प्रोसेसर सपोर्ट ही नहीं करता है भाई UFS वाली स्टोरेज को, तो eMMC वाली ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और रैम भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ भाई, यहाँ पर मिलना तो LPDDR4X चाहिए, और चांसेस भी है कि वही मिलती होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग करके उसको हाइड कर दिया गया हो और LPDDR3 रैम दे दी गई हो, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है भाई LPDDR4X रैम ही आपको देखने को मिलेगी, तो रैम एंड स्टोरेज भी यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर इस फोन के साथ में है, और इस फोन को मैं भाई रिकमेंड करता जरूर से करता अगर ये प्रोसेसर यहाँ पर नहीं होता, थोड़ा सा अगर बेटर प्रोसेसर होता तो भाई फोन काफी अच्छा होता। यहाँ पर आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर, और भाई इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस होने के बाद में यहाँ पर हीलियो P22 डाल के सब गुड़ गोबर हो गया भाई मामला, क्योंकि भाई मैं अपनी ऑडियंस को नहीं रेकमेंड करूंगा कोई ऐसा फोन जो आउटडेटेड प्रोसेसर के साथ में आता हो। यहाँ पर भाई तकरीबन 2 साल पुराना प्रोसेसर है P22, बहुत सारे फोन में हमको देखने को मिला है, थोड़े टाइम पहले तक मिलता था तो एक अच्छा प्रोसेसर था बजट सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन अब अच्छे प्रोसेसर और आ गए हैं। G70 आपको मिल जाता है भाई 10,000 के अंदर काफी सारे फोन में, तो उस प्रोसेसर का यूज किया जाता था या किया जा सकता था, या फिर मैं बात करूं एटलीस्ट P35 तो अगर यहां पर दे देते तो भाई मैं बैटरी के लिए इस फोन को रिकमेंड कर देता P35 प्रोसेसर के साथ में, लेकिन भाई इस प्रोसेसर के कारण यहां पर टेक्नो थोड़ी सी मात खा जाएगा मेरे हिसाब से मार्केट में, क्योंकि भाई 10,000 में आपको दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5000mAh की बैटरी के साथ में 8499 में आप रियलमी नार्जो 10A की तरफ जा सकते हो, जहां पर प्रोसेसर काफी ज्यादा बेटर मिलता है। तो यहां पर भाई टेक्नो जैसी कंपनी को, इन्फिनिक्स जैसी कंपनीज को मुझे लगता है कि इस चीज पर यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई रियलमी शाओमी खा जाएंगे नहीं, तो इनको भाई इनकी सेल होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो कम प्राइस में काफी अच्छे प्रोसेसर हमको दे देते हैं भाई। और यहां पर ये कंपनी मुझे लगता है भाई, मैंने अधिकतर देखा है इन्फिनिक्स के भी फोन काफी अच्छे होते हैं, टेक्नो के फोन काफी अच्छे होते हैं, स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी होती है, लेकिन केवल और केवल प्रोसेसर में मात खा जाते हैं, और भाई हम लोग प्रोसेसर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हमारी ऑडियंस को भाई परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं मिलेगी फोन से, तो आई डोंट थिंक कि फिर हमारा यहाँ पर बैठना जस्टिफाई होता है, अगर हम यही नहीं बताते हैं कि एक खराब प्रोसेसर के साथ में आप फोन ले लो। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये बात तो गलत होगी, इसलिए भाई मैं जस्टिफाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस फोन को, क्योंकि भाई P22 प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या लगता है आपको इस फोन के बारे में, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।